क्या था आसिम का रिएक्शन बिग बॉस हारने के बाद? वो जब फर्स्ट रनर अप बने तो क्या वो खुश थे या निराश थे? हालांकि बिग बॉस खो गए काफी समय बीत चुका है, लेकिन एक खबर आई है जिसके हिसाब से हिमांशी खुराना ने ये बताया है कि आखिर आसिम ने कैसे रिएक्ट किया था। तो क्या कहती है हिमांशी, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आसिम रियाज 15 फरवरी को जिस दिन फिनाले हुआ, हर किसी को लग रहा था कि आसिम और सिद्धार्थ में कड़ी टक्कर है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दोनों के ही फैंस इस बात के लिए प्रे कर रहे थे कि आसिम जीत जाए, सिद्धार्थ जीत जाए, लेकिन सिद्धार्थ जीते और आसिम बने फर्स्ट रनर अप। क्या था उनका रिएक्शन ट्रॉफी हारने के बाद? हिमांशी खुराना एक चैट पर आती है, इंटरव्यू पर आती है और उनसे जब पूछा जाता है तो इस बात को बताती हैं, क्योंकि हिमांशी भी वहाँ मौजूद थी। तो वो कहती हैं कि उनको जो है थोड़ा सा बुरा लगा जब उन्हें पता चला कि वो विनर नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि लोगों ने, उनके फैंस ने खासकर, उनको इतना प्यार दिया है, तो फिर उनको लगा कि नहीं, वो तो जीत चुके हैं। तो उनके ऐसा लगा कि उनकी असली जीत जो है वो उस प्यार में थी जो उन्होंने इंटरनेट पर अपने फैंस का देखा, कि किस तरह से जो है फैंस उनके लिए मैसेजेस लिख रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने तुरंत जाकर अपने पिता से पूछा, तो उनके पिता ने बोला, मैं तुम्हारी इस पर जर्नी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। तो ये सुनकर आसिम बहुत खुश हुए और हिमांशी का ये कहना है कि मैंने भी आसिम को बोला कि मैं आई एम टू प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम पर गर्व है। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ही मैटर करते थे, जब उनसे उनको रिएक्शन मिला कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो खुश हो गए। तो कहीं ना कहीं टैली चक्र में ये आया है कि उन्होंने इस तरह से कोई इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं हिमांशी ने इस बात का खुलासा किया है कि आसिम दुखी ज़रूर हुए थे, लेकिन ये जानने के बाद कि लोग उनसे प्यार करते हैं, मुझे उन पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, उनके पिता उन पर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो ये सुनकर उनको लगा कि ठीक है, ट्रॉफी नहीं मिली तो क्या हुआ, इन सबका प्यार तो मिल गया।